नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वे ओप करियर में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक नई भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आपके लिए लेकर आए हैं आप सभी के लिए भर्ती जल्द ही ये भर्ती इस भर्ती का फॉर्म आप अप्लाई करो आपके लिए भर्ती की लास्ट डेट बहुत जल्दी होने वाली है यानी कि भर्ती का आवेदन आपको जल्द ही करना है मैं आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको देने वाला हूं सबसे पहले आप बात कर लीजिए कि, कि किस में वैकेंसी निकली है तो बी एस एफ सी आर पी एफ सी आई एस एफ आई आए टी बी पी और एस एस बी जो 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 ये पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं इनमें वैकेंसी निकली है दोस्तों वैकेंसी की बात करी जाए दोस्तों तो टोटल वैकेंसी होने वाली है वन फिफ्टी नाइन वन फिफ्टी नाइन यानी कि एक सौ उनसठ वैकेंसी है दोस्तों बिना ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आप बिलीव नहीं करोगे मेरे को पता है इसलिए मैंने सबसे पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये आपको दिखाया है ये नोटिफिकेशन मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा वहाँ से आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को और हमारे जो इंस्टाग्राम पर वहाँ पर हमको फॉलो कर सकते हैं जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना अगर पहली बार आई हो तो बेल के आइकन को प्रेस कर लेना जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा यूपी है यूपीएससी एस सी ए पी एफ़ असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती 2021 नोटिफिकेशन है आपके लिए ऑनलाइन एग्जाम डेट सब कुछ आपको सब ऑनलाइन डेट एग्जाम की और फॉर्म फिलअप डेट और लास्ट डेट सब घोषित हो चुकी हैं आपको ख्याल वीडियो देखना है आपको कंप्लीट डिटेल्स में मिल जाएगी ठीक है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है मैंने आपको दिखाया था इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन पंद्रह अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं और पंद्रह मई इसकी लास्ट डेट रहने वाली है संघ लोक सेवा आयोग यू की तरफ से यानी कि यू है जो इसका एग्जाम कंडक्ट करवा रही है तो इसके इस पे सुरक्षा बल बी एस एफ केंद्रीय रिजर्व बल यानी कि मैंने आपको बताया सी आई एस एफ आई टी बी पी वगैरह जो है एस एस बी है उन पे असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर ये दोस्तों भर्ती होने वाली है ऑनलाइन आवेदन जो इच्छुक जो करना चाहते हैं जो भी योग्य उम्मीदवार हैं यू पी एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट के, के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे इसके अलावा आयु सीमा योग्यता ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको पूरी जानकारी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा बी एस एफ में पैंतीस वैकेंसी है दोस्तों सी में बात करें तो सी में छत्तीस वैकेंसी है सी में सड़सठ हैं और आई में बीस और एस में केवल एक वैकेंसी है दोस्तों चलिए उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपने आगे देखते हैं आगे देखते हैं एज लिमिट के बारे में दोस्तों बात करी जाए तो एज लिमिट इसमें रहने वाली है आपकी कम से कम आयु 20 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ष आपकी रखी गई है इसके अलावा जो अनुसूचित जाति यानी कि ओ वगैरह को या फिर एस सी को जो अलग से छूट मिलती है ओ को तीन साल की और एस सी को पाँच साल से जो भी आपको मिलती है वो आपके हिसाब से आपको छूट मिल जाएगी उसके बाद हम बात करें दोस्तों इसके जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में बात करें तो आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपके पास क्या होना चाहिए यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट दो हज़ार इक्कीस की शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी को किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक पास की या फिर उसके समकक्ष कोई भी डिग्री होनी चाहिए आपके पास यानी कि आपको कोई भी जो ग्रेजुएशन डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए ठीक है उसके बाद हम बात करें दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की बात करी जाए तो एप्लीकेशन फ़ीस जो होने वाली है वो दो सौ रुपये आपका शुल्क लगेगा महिलाओं एवं अन्य आरक्षित वर्गों के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है केवल आपका ओबीसी और जनरल के लिए ये शुल्क रखा गया है फुल नोटिफिकेशन आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको बताया था तो उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर जाए दोस्तों तो इसके यहाँ पे देखते हैं यू असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती दो के लिए सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी उसके बाद में शारीरिक दक्षता और इंटर के आधार पर फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा लेकिन परीक्षा का आयोजन 8 मई 2021 को होगा यहाँ पे एग्ज़ाम डेट मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम डेट मैं बताऊँगा आठ मई दो को एग्ज़ाम इसका होने वाला है पहला पेपर दस बजे से बारह बजे तक होगा और दूसरा जो पेपर होगा वो होगा आपका दो बजे से पाँच बजे तक यानी कि दो एग्जाम इसमें होने वाले हैं और उसके बाद में सबसे पहला पेपर सामान्य योग्यता के लिए अधिकतम ढाई अंकों का होगा जो पहला पेपर है वो ढाई सौ नंबर का होगा और उसके बाद में जो दूसरा पेपर जो सामान्य अध्ययन निबंध और समाज के लिए वो दो सौ नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में वहाँ से बता दूंगा मैं आपको ठीक है उसके बाद में ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट मैंने आपको पहले बताया था फिर बता रहा हूँ

जनरल एलिजिबिलिटी और इंटेलिजेंस के ढाई सौ नंबर का उसमें होने वाला है उसके बाद में सेकंड पेपर में मैंने आपको बताया था निबंधात्मक और जो जनरल स्टडीज उसके क्वेश्चन आएंगे तो वो आपका होने वाला है दो सौ नंबर का ठीक है उसके बाद में आपको दोनों पेपर फाइट करना है उसके बाद में आपका क्या आने वाला है फिजिकल फ़िजिकल में आपको क्या क्या करवाया जाएगा ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे सौ मीटर की रेस होगी दोस्तों ठीक है मेल्स कैंडिडेट के लिए सोलह सेकेंड में करनी है और फीमेल को अठारह सेकेंड में आठ मीटर की रेस होगी वो आपको करनी है तीन मिनट पैंतालीस सेकंड में तो मेल्स को और फीमेल को करनी है जो चार मिनट पंद्रह पैंतालीस सेकेंड में उसके बाद लॉन्ग जंप होगा साढ़े तीन मीटर का तीन चांस मिलेंगे आपको और तीन मीटर का होगा फीमेल्स का और ये क्या शॉर्ट पुट होगा यानी कि सेवन पॉइंट टू सिक्स के जी का ठीक है और ये आपको फोर पॉइंट फाइव मीटर रहने वाला है उसके बाद में आपको ये पूरा बता दिया है मैंने उसके बाद में इंटरव्यू टेस्ट होगा आपका और उसके बाद में मेरिट के हिसाब से आपका फाइनल सेलेक्शन होगा और आप यहाँ पे बिल्कुल आप फुल सलेबस अगर इसका आप देखना चाहते हो तो टॉपिक वाइज सल... आपको इसके लिए पूरा डिटेल दे रखा है आप मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा तो आप नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल से या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो तो आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो होगी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है